बताओ बच्चों, क्रिसमस पर क्या खाओगे? कुकीज, मफिन्स या क्रीम रोल्स? मैं खाऊंगा मफिन्स। नहीं, मैं खाऊंगी कुकीज। मैं खाऊंगा मफिन्स। अरे अरे शांत हो जाओ, हम सब मंगवा लेंगे, वो भी एक ही बेकरी से। इतना सब तो जम्मू में पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पहुंची है और यहां पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यहां पर यह है कि ज़्यादातर लोग जितने भी यहां पर आए हैं उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए हैं, और आपको मैं ये ज़रूर जानकारी देना चाहूंगा कि हाल ही में कल की अगर मैं बात करूं तो 3 ओमिक्रॉन के नए केसेस में एक ही बेकरी से कैसे मिलेगा? अरे ईटू बेकरी है ना, यहां सब मिलता है, वो भी ढेर सारी वैरायटी में, जैसे क्रीम रोल स्वीट्स, हार्ट कफ स्वीट्स, ईटू चॉकलेट मफिन्स, मिक्स फ्रूट कुकीज, टूटी फ्रूटी कुकीज, जैम कुकीज, बटर कुकीज और भी बहुत कुछ। इनके सभी प्रोडक्ट काफी स्वादार, सेफ्टी जो है वो जम्मू में आए, यानी कि पहले 3 केसेस ओमिक्रॉन के जम्मू में आए हुए हैं और उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है बगैर मास्क के आपको यहाँ लोग यहाँ पर बहुत यहाँ पर भीड़ अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है तो इस भीड़ को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ओमिक्रॉन वेरियंट जो है कहीं इस भीड़ में भी ना फैला हो, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर मास्क बगैर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी वहाँ तक ज्यादातर लोग जो है वो बगैर मास्क के आपको दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ यहाँ पर ये जो बैठे और बेस्ट क्वालिटी से बनाए जाते हैं। इनके यहाँ सूजी रस्क ब्रेड टोस्ट व रोस्टेड सेवैया भी उपलब्ध है, और तो और तुम्हारे लिए शुगर फ्री कुकीज भी मिलती हैं। अरे वाह, फिर तो मैं भी मजे से खा सकूंगा। न्यू ईयर पर भी हम यहीं से कुकीज मंगाएंगे। ईटू कुकीज अवेलेबल एट ऑल स्टोर्स। वे लोग हैं सिर्फ यहीं पर ही नहीं बल्कि स्टेज की अगर मैं बात करूं तो स्टेज पर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर मास्क के हैं, और अभी स्पीच जो स्पीच कर रहे हैं वो पीडीपी के उपाध्यक्ष हमें चौधरी बगैर मास्क के ज्यादातर लोग जो हैं स्टेज पर जो बैठे हुए हैं बगैर मास्क के हैं, और ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 केसेस जम्मू में आए हैं, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और चिंता का विषय वो भी क्यों ना, जहाँ एक तरह भारत सरकार की अगर मैं बात करूँ, भारत सरकार जो है लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे इस ओमिक्रॉन के साथ निपटा जाए, तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर आज जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो पीडीपी का ये जलसा आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखेंगे एक झलक में यहाँ पर आपको जरूर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ज़्यादातर लोग जो है आपको बगैर मास्क जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दूर दूर तक जहाँ तक आपको नजर जा रही है इतनी भीड़ है यहाँ पर। लेकिन इस भीड़ में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बगैर मास्क के आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 3 ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो जम्मू में आ चुके हैं, और एक चिंता का विषय जो है वो जम्मू में बढ़ते जा रहा है, और इसी को नजर रखते हुए शायद परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन किसी भी चीज़ रैली की परमिशन की बात मैं बात करूँ तो फिलहाल जो है वो प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का कार्यक्रम जो है वो जम्मू में हो रहा है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हैं, इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर बगैर मास्क के हैं। और स्टेज की तरफ मैं अब एक बार फिर से आपको लेकर चलूंगा कि यहाँ पर तमाम लीडर जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तमाम लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ज्यादातर इन नेताओं ने भी जो है वो अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर इन नेताओं ने भी मास्क नहीं पहने हुए हैं, और ओमिक्रॉन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इन नेताओं को इन पार्टियों को जानने से ज्यादा पार्टी अहमियत रखती है, यानी कि वोट इतने जरूरी है कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन पॉलिटिकल लीडर्स को? आप लोग कैमरामैन गगन के साथ आज आपको जवाब देना पड़ेगा।